हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर पूरे में। आज हम डिस्कस करने वाले FN ई-कॉमर्स वेंचर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2.85 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 161.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर पहले टॉप था 163 रुपीज पर, 163 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली जहां पर स्टॉक ने 147 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां पर स्टॉक के अंदर एक बॉटम बन चुका है और निचले लेवल पर स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली जहां पर ऊपर में स्टॉक का जो पिछला हाई था स्टॉक ने इस प्राइस को जैसे ही ब्रेकआउट दिया स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिला जहां पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया 166 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में अब एक करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 160 रुपीज पर, 160 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक स्टॉक ऊपर में 166 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नीचे का 160 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 185 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।